इस कहानी में हम देखेंगे भाई बहन को जिनका बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और वो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाता, जिसकी वजह से ये दोनों कुछ बुरी आदतों के आदि हो जाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब भाई अपनी बहन की बचाने की कोशिश करता है। मूवी के स्टार्ट होते ही एंड्रिया नाम की बंदी कुछ लड़कों के साथ क्लब में डांस कर रही थी और उसका भाई डियागो ये सब देख रहा था। कुछ टाइम के बाद एंड्रिया एक लड़के के साथ बाथरूम में चली जाती है। डियागो भी देखने के लिए उसके पीछे जाता है। वहां पर जाने के बाद डियागो एंड्रिया से पूछता है, तुम यहाँ पर और कितना टाइम रुकोगी? एंड्रिया डियागो से अकेले घर जाने के लिए कहती है। डियागो के घर पर एक पार्टी चल रही थी क्योंकि डियागो के डैड अपनी नई गर्लफ्रेंड एलिस के साथ लिव इन रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाले थे। डियागो पार्टी में पहुंचता है। लेट आने की वजह से उसके डैड उस पर गुस्सा होते हैं और एंड्रिया के बारे में पूछते हैं। तब डियागो कहता है वो क्लब में लड़कों के साथ मजे ले रही है। डियागो अपने डैड पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और वहां से सीधा किचन में आ जाता है। अगली सुबह अपने डैड के कहने पर डियागो एंड्रिया को ढूंढने के लिए जाता है जो पार्टी के बाद अपने एक दोस्त के घर पर रुकी हुई थी। इसके बाद डियागो एंड्रिया को घर पर लेकर आता है और फिर वो चारों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड्रिया एलिस का मजाक उड़ाने लगती है। तभी उसके डैड एंड्रिया और डियागो से कहते हैं, आज तुम दोनों बाहर नहीं जाओगे क्योंकि आज संडे है और डियागो कल तुम्हें ऑफिस आना होगा। यहाँ पर एलिस नोटिस करती है डियागो और एंड्रिया बाकी बच्चों की तरह नहीं है। कुछ टाइम के बाद एंड्रिया अपनी डैड की बात ना मानते हुए अपने एक दोस्त को बाहर जाने के लिए कॉल करती है। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं डियागो अपनी बहन की तरफ अट्रैक्ट होने लगा है। अगले दिन डियागो अपने डैड के साथ ऑफिस जाता है। दूसरी तरफ एलिस घर पर पूरी तरीके से अकेली थी। फिर एलिस अपना टाइम स्पेंड करने के लिए अपने दोस्तों के पास चली जाती है। इसके बाद हम एंड्रिया को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में आई हुई थी। एक्चुअल में एंड्रिया प्रेग्नेंट थी और वो अपना अबॉर्शन कराना चाहती थी। तभी डॉक्टर उसे बताता है तुम्हारी प्रेगनेंसी को एक महीना हो चुका है और हम तुम्हारा अबॉर्शन नहीं कर सकते, लेकिन एंड्रिया इस बात को इग्नोर कर देती है और अपने दोस्तों के साथ फिर से एंजॉय करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं रात होने के बाद डियागो एंड्रिया के कमरे में जाकर उसके कपड़े उतार कर वहीं पर 61-62 करने लगता है, लेकिन बाद में उसे इस बात का गिल्ट भी होता है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं डियागो अपने फादर के साथ बिजनेस में हेल्प करने लगता है और एंड्रिया अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अपने दोस्तों को बताती है। एंड्रिया की फ्रेंड उससे कहती है तुम्हें अपने डैड को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए वरना एक ना एक दिन सच उनके सामने आ ही जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं एंड्रिया रात में क्लब में जाती है और वो डिस्कस करती है उसे पता नहीं है ये बच्चा उसके किस बॉयफ्रेंड का है। काफी रात होने के बाद एंड्रिया का ड्राइवर उसे घर छोड़ने के लिए आता है, जिसके लिए डियागो उस ड्राइवर को थैंक्स भी बोलता है। एंड्रिया पूरी तरीके से नशे की हालत में थी, जिसका फायदा डियागो उठाता है और उसकी पलंग तोड़ ठुकाई करता है। अगली सुबह एंड्रिया अपनी प्रेगनेंसी के बारे में डैड को बता देती है। अब एंड्रिया की प्रेगनेंसी को 3 महीने हो चुके थे, जिसकी वजह से एंड्रिया के फादर अगले 6 महीने के लिए उसे मियामी जाने के लिए बोलते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगा। इसके बाद एंड्रिया के डैड इस बारे में एलिस से बात करते हैं और उसे कहते हैं हमें एंड्रिया के बच्चे को अपनाना होगा क्योंकि मेरी बेटी सिर्फ 21 साल की है और वो इस बच्चे को नहीं संभाल सकती। एलिस इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस थी। वो एंड्रिया के डैड से कहती है अगले 6 महीने के अंदर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और वो भी पेरिस में। इसके बाद रात को एंड्रिया डियागो के साथ क्लब चली जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद एंड्रिया घर वापस आकर अपना सामान पैक करके मियामी के लिए निकल जाती है। डियागो उसे फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रिया उसकी कॉल पिक नहीं करती। घर की मेड्स को पता था एंड्रिया कहां पर है, लेकिन वो जानते हुए भी डियागो को ये बात नहीं बता सकती। अगले दिन एंड्रिया डियागो को कॉल करके उसे बताती है मैं मियामी में हूं और कॉल कट कर देती है। इसके बाद डियागो की मुलाकात एंड्रिया की फ्रेंड से होती है जो डियागो को एंड्रिया की प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है। ये बात सुनकर डियागो बहुत ही अपसेट हो जाता है और अपने घर ना जाने का फैसला करता है और डियागो अपनी मेट के साथ उसके ब्लेज में रहने के लिए चला जाता है क्योंकि वो अपने घर पर अकेला नहीं रहना चाहता था। 6 महीने गुजर जाने के बाद डियागो के फादर और एलिस की शादी हो चुकी थी और उसके घर पर एक आलिशान पार्टी चल रही थी जहाँ पर डियागो भी होता है और एलिस ने एंड्रिया के बच्चे को भी अपना लिया था, लेकिन यहाँ पर एंड्रिया मौजूद नहीं होती। पार्टी में काफी सारे लोग जानते थे ये बच्चा एंड्रिया का ही है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।